भर के पिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मरवा की तरफ जाते हैं या सफ़र की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरह कूलर जो है लगे हुए मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब, खैरियत से हैं। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूं। मैं इस वक्त जद्दा में हूं और अब मैं सुबह सुबह फजर से पहले दोबारा अल्लाह के घर मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा हूं और आज फिर हम उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। तो माशाल्लाह से जी, अब हम जो मक्का में दाखिल होने के लिए जो चेक पॉइंट है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और मक्कतुल मुकर्रमा के हदूद में दाखिल हो जाएँगे। तो माशाल्लाह से ये आपको जो ये वो नज़र आ रही है सामने आर्क, तो यहाँ से जो हरम पाक की जो सरहद है वो शुरू हो जाती है। माशाल्लाह ये सीन देखें जी, ये रेल बनी हुई है, ऊपर वो कुरान पाक रखा हुआ है। माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत मंज़र है। वाकई ये मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और इधर सामने ये मक्का टावर, इस वक्त सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। माशाल्लाह फजर का टाइम हो गया है। तो माशाल्लाह से अब हम हरम पाक की तरफ जा रहे हैं। क्या बताऊँ क्या मज़ा है, माशाल्लाह खुशबुएँ हर तरफ खुशबुएँ। माशाल्लाह ये खूबसूरत मंजर है, ये देखें माशाल्लाह। अब हम ये गेट नंबर 79, इससे हम इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और खाना काबा की ज़ियारत करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ जो है वो अदा कर ली है और कुछ देर बाद हम उम्रा जो है उसकी सआदत हासिल करेंगे, अल्लाह ताला कबूल करें इंशाल्लाह। अब हम उम्रा जो है वो अदा करेंगे। जब आप उम्रा करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये बिल्कुल जो इस तरफ हजरत अस्वद है उसके बिल्कुल सामने है, तो इस ग्रीन लाइट से आपने तवाफ़ जो है वो शुरू करना है और अपने साथ जो चक्कर हैं वो पूरे लगा के फिर आपने सही के लिए चले जाना है। तो माशाल्लाह इंतज़ार करें यहाँ पे। ये साथ साथ सफाई का काम वो भी जारी सारी है। तो माशाल्लाह ये कुछ किस्मत लोग जो यहाँ पे सफाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम अपना तवाफ़ जो है उसको शुरू करते हैं। तो तवाफ़ पूरा होने के बाद जब सही का वक़्त आएगा तो फिर दोबारा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ जो है वो पूरा कर लिया है। अब हमने दो नफल जो है वो भी अदा कर दिया है ये मकाम इब्राहिम के बैक साइड पे। तो माशाल्लाह अब हम चलते हैं जी सही करने के लिए। पहले आप ये जमज़म पीते हैं और उसके बाद सही के लिए जाते हैं। तो ये
अल सलाम गेट 19। तो यहाँ से हम सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके दरमियान हम सही करेंगे, हम 7 चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे ये जमजम के वो कूलर लगे हुए हैं, तो पहले हम यहाँ से पानी पीते हैं माशाल्लाह, तो उसके बाद हम सही के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएंगे सही के लिए। तो यहाँ पे हर जगह पे इंग्लिश, अरबी और उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ है। ये 3 ज़ुबानें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो आपको आसानी से आपको पता चल सकता है हर चीज़ का, कोई बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये रही जी सफ़ा की पहाड़ी, तो अब हम यहाँ से सही जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ से जी हम अपने 7 चक्कर जो हैं वो पूरे करेंगे, एक जाना और एक आना, ये टोटल 3.5 बनते हैं। और यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरफ से और उस तरफ से हम वापस आएंगे, और उसके बाद ये सफ़ा और मरवा तक हमने जाना है, ये एक चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा तक ये 2, इस तरह यानी टोटल 7 यहाँ से शुरू करेंगे। एंड जो है वो मरवा जो पहाड़ी है वहाँ पर होगा। तो जो व्हील चेयर वाले लोग हैं उनके लिए उन्होंने दरमियान में अलग एक ट्रैक जो है वो बनाया हुआ है। तो चलते हैं, सही करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। से जहाँ पे ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हमने दौड़ना होता है, यानी औरतें जो हैं उनको दौड़ने की नहीं ज़रूरत, लेकिन जो मर्द होते हैं वो यहाँ से दौड़ते हैं जहाँ पे ग्रीन लाइट्स हैं। चलना होता है, इस तरह हम 7 चक्कर के पूरे। इस तरह हम सफ़ा से मरवा पहुंच चुके हैं। ये मरवा की पहाड़ी यहाँ से ऊंचाई हल्की सी शुरू होती है, इस तरह हमारा एक चक्कर जो है वो पूरा हो जाएगा सफ़ा से मरवा। और अब हम मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे दूसरे चक्कर लेने के लिए। इस तरह सफ़ा की तरफ जाते हुए भी आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी, यहाँ पे भी दौड़ना होता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान जगह जगह पे हमने कूलर लगाए हुए हैं, आप जमजम को चीज़ भर के पिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मरवा की तरफ जाते हैं या सफ़ा की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरह कूलर जो है लगे हुए मिले। अब्दुल्ला जी हमारे 7 चक्कर जो है वो पूरे हो चुके हैं, आप हमारे सही जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप बाहर निकलते हैं और 2 नफर नमाज पढ़ते हैं और बाद में सर के बाद जो है कटाते हैं। तो इस तरह ये एग्जिट है। तो इस तरह बाहर का मंजर है। जी हम यहाँ से अपने शेयर कराएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आज मेरा दूसरा उमरा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आज का व्लॉग जो है इसको यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।